This is Afnan Haroon. Thank you for joining us today. Today we are at JN Medical College. Along with me is Ashutosh. We are joining Dr. Shahid Ali Siddiqui, who is the principal of Jawaharlal Nehru Medical College. दुनिया भर में 1 लाख से ऊपर और भारत में 59 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर कोरोना वायरस है क्या, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर, कोरोना वायरस आखिर है क्या? कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि आमतौर पर एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल से जब ये मनुष्यों में जाता है, आदमियों में जाता है, तो ये बीमारी कर सकता है, जो कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसी फैमिली का एक वायरस है। तो जो इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको खांसी हो सकती है, नज़ला हो सकता है, छींक आ सकती है, या आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, ये इसकी अलामत होती है, सिम्टम्स होते हैं। इसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है, हम लोग इसे कैसे बच सकते हैं? इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में फेटल होती है जी। इससे बचने के लिए हमें इसका स्प्रेड जो कि कॉन्टैक्ट से होता है, और दूसरा स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो आपके जो छींक या खांस है उसके अंदर से आपका सलाइवा निकलता है, जिसको कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, तो उससे ये स्प्रेड होता है। तो हमें जो है इस चीज़ का एहतियात रखना चाहिए कि अगर हमें इस तरह के सिम्टम हैं तो हम मास्क वगैरह पहनें, और अननेसेसरी तौर पर हमारे नाक या मुँह या आँखों को टच ना करें, क्योंकि ये हमारे हाथ से अगर हम टच करेंगे नाक से, मुंह से या आंखों से, तो वायरस वहाँ से हमारे हाथों में आ जाएगा, और हाथों के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छुएंगे तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसी दूसरे पर्सन को टच करेंगे तो उसको ट्रांसफ़र हो सकता है जी। तो मतलब ये टच करने से, क्लोज कॉन्टैक्ट से बेसिकली फैलता है, कॉन्टैक्ट से फैलता है, और क्राउडेड प्लेसेस में भी जाने से फैलता है। कॉन्टैक्ट क्राउडेड प्लेस में कॉन्टैक्ट की और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि छींक के में बॉडी के सिक्रीशन निकलते हैं, सलाइवा निकलता है या नेजल सिक्रीशन निकलते हैं, तो उसमें ये ड्रॉपलेट जो निकलती है उसके अंदर ये वायरस होता है, तो जो आपके पास में आदमी दूसरा जो है उसको ये ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू द एयर एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इसलिए इसको रोकने के लिए एक बैरियर हम लोग लगा देते हैं, मास्क जो मुंह के ऊपर लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं अगर छींक या खांस आ रही है तो आपका जो थूक है या सलाइवा है वो दूसरे आदमी के ऊपर ना जाए। अच्छा, इसका इससे बचने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोग अवॉइड करें क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जो लोग, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं, वो लोग इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, इसका फैलने का डर सिर्फ दो ही तरीके से होता है जी। या तो उस आदमी ने उस एरिया में ट्रैवल किया हो जहाँ पर ये वायरस मिल रहा है या जहाँ पर इन्फेक्शन फैल रहा है, या आपका कॉन्टैक्ट उस आदमी से हुआ हो जिसमें ये वायरस ऑलरेडी मौजूद है और वो उससे सफ़र कर रहा है। तो हमें जहाँ जिन एरिया में ये वायरस फैला हुआ है या बीमारी फैली है, उन एरिया में ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर किसी आदमी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, छींक है, खांसी है, नज़ला है या सांस लेने में दिक्कत है, तो उस आदमी से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा आइसोलेशन में रखना चाहिए, ताकि उसकी डिस्टेंस के जब रहेगा तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो दूसरे आदमी तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो है किसी ऑब्जेक्ट पर जो वायरस के रहने का टाइम पीरियड होता है, जो टाइम फ्रेम होता है, वो कितना होता है? क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करी जा रही है तो उसको टच नहीं करें, डिस्टेंस बना के रखें, पीपल आर इवन अवॉइडिंग रॉ मटेरियल्स, यू नो, तो ऐसे एहतियात क्या ज़रूरी हैं? नहीं, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इनर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी सेल्फ डेथ इसकी हो जाती है, मे बी इन टू डेज और थ्री डेज एट द मोस्ट। तो मतलब ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने का, ह्यूमन टू ह्यूमन जब फैलता है तो ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है, ये उसमें वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है,
और ऑब्जेक्ट्स टू ह्यूमन फैलने का जो डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है. ऑब्जेक्ट्स इफ ए पर्सन इज सफरिंग, अगर कोई आदमी इससे बीमार है, उसको ये वायरस इन्फेक्शन हो गया है और वो किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है और वो ऑब्जेक्ट कोई दूसरा आदमी तीसरा आदमी टच करता है, तो इन अ पीरियड ऑफ अ डे और टू देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये वहाँ उस ऑब्जेक्ट से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है. तो मतलब, और खबरें आ रही थी पहले कि ये पेट्स में भी फैल रहा है, तो क्या ये एनिमल टू एनिमल भी स्प्रेड हो रहा है? ये एनिमल में इसका ओरिजिन है, लेकिन एनिमल टू एनिमल स्प्रेड हो रहा है इसके कोई कंफर्म वो नहीं है, लेकिन एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफर जब हो जाता है तो उसमें ये डिजीज मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज करता है और इसका मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो वायरल निमोनिया होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से आगे चल के आदमी की डेथ हो सकती है. ओके, तो मतलब, और खबरें सामने आ रही थी कि लोगों ने सी फूड खाना बंद कर दिया है, उन लोगों ने जो है चिकन मटन बहुत अवॉइड कर रहे हैं लोग, तो क्या वाकई में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है? ऐसा कोई प्रूफ हमारे यहाँ नहीं है इंडिया में चिकन या फिश या सी फूड में इसकी मौजूदगी है. ये वुहान से ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये चिकन या किसी बर्ड्स के मीट से स्प्रेड हुआ है, बट इसका कंफर्मेशन नहीं है. तो अगर हम लोग एहतियात की बात कर रहे हैं तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर देख रहे हैं कि उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी शॉर्टेज हो रही है मार्केट में, तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या वो लोग करें? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है. हर आदमी को मास्क की ज़रूरत नहीं है जी, और ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग जिन्होंने इसकी मास्क की या सैनिटाइजर्स की होर्डिंग कर ली है. हाँ. ये बहुत ही गलत और अनएथिकल मार्केट में तो मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है. हाँ. तो मास्क सिर्फ उन लोगों को एहतियात रखनी चाहिए जो कि इससे सफ़र कर रहे हैं. अगर किसी को एक्सपोजर हो गया है और वो बीमारी से के सिम्टम आ गए हैं, तो उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि उनके जो ड्रॉपलेट्स होती हैं या उनके जो टच हैं उससे वो स्प्रेड हो सकता है. लेकिन अगर किसी आदमी ने ऐसे शहर में ट्रैवल किया है जहाँ पर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक्सपोजर की, लेकिन अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. उनको सिर्फ एक क्वारंटीन, जिनको आइसोलेशन कहते हैं, वो दो हफ्ते का क्वारंटीन है. वो ऐसी किसी बंद कमरे में रहें, बंद जगह पर रहें, ताकि दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं आए, और दो हफ्ते में अगर उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो वो फ्री हैं. अगर कोई सिम्टम आ जाते हैं तो उनको अपने टेस्ट कराने चाहिए, और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. तो मतलब जो हर आदमी को जरूरत नहीं है, हर आदमी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे भीड़ वाले एरिया हैं और जहाँ पर ये फैल रहा है, जैसे दिल्ली में ये ओरिजिनेट हुआ और वहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आगरा में या दूसरे शहरों में गए, तो दिल्ली में जैसे जो मास कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं उसमें एहतियातन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी वहाँ मौजूद हो सकता है. अदरवाइज आम आदमी को अगर खुली जगह पर वो है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो मास्क पहने. तो जो रिक्शे वाले हैं वो लोग कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि वो लोग का तो काम ही है, वो लोग बाहर ही रहते हैं, वो लोग के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें. उनको पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, उनको दिन में कई बार अपने हाथ को किसी भी साबुन से धो लेना चाहिए. दूसरा चीज़ ये है कि अननेसेसरी तौर पर किसी भी जिसको जुकाम हो रहा है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक ना जाए, ठीक है, तो इस वजह से इससे वो उससे बच सकते. तो मतलब सबको ही ध्यान लेने की उसकी ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर एक बात ये भी है कि रिक्शे वाले तक, जैसे इन गरीबों तक ये बातें पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास उनसे आमतौर पर मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन होता ही रहता है, तो हम लोग उन तक ये चीज़ें पहुँचा सकते हैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू यू नो कम्युनिकेशन. और अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो कितना है, क्योंकि लोगों में बहुत पैनिक क्रिएट हुआ है, जैसे कि आपने अभी बताया. मैंने पहले बताया आपको कि इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है जी. इसकी मोर्टालिटी रेट एल्डरली पीपल जो हैं, जो कि
60 प्लस या 70 के आसपास है, एक तो उनमें ज़्यादा है, या उनको अगर हार्ट डिजीज है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसे हाई रिस्क केसेस में भी 7-10% रेट है मोर्टेलिटी का, ठीक है। हाँ, और अगर कोई यंग पेशेंट है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल है तो मोर्टेलिटी रेट मे बी अराउंड 1.5-2% इन एनी केस। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि या हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वो लोग इससे ज़्यादा केयरफुल हैं। वरना आम आदमी को जिसकी सेहत ठीक है या थोड़ा यंग जनरेशन है तो उनको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यंग जनरेशन में मोर्टेलिटी रेट लेस देन 2%। तो मतलब इट्स नॉट लाइक अ डेथ सेंटेंस कि कोरोना वायरस हो गया है तो इतना पैनिक होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। और डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि आजकल मौसम बदल रहा है तो लोगों में कफ एंड कोल्ड जो है वो लगा हुआ है लगातार, तो लोग कैसे डिस्क्रिमिनेट करें कि ये क्या है? और अगर उनको उनको ऐसा कुछ होता है तो क्या वो लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करवाएं? देखिए, टेस्ट जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि वो दो ही तरह से, या तो वो किसी ऐसे आदमी के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है, या उन्होंने उस एरिया का ट्रेवल किया है जहाँ पर ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, तो ऐसे जगह पर टेस्ट, इन दो कंडीशन में टेस्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज हर आदमी जिसको भी नज़ला जुकाम खांसी हो रहा है उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसमें भी यही है कि जो या तो एक्सपोजर हो गया है या आदमी उस कंट्री से आया है जहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फैला। और ये लगातार लोगों में एक सवाल बना हुआ है कि जब इसका कोई वैक्सीन प्रॉपर नहीं निकला है, जब इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो आखिर हॉस्पिटल में इलाज क्या करते हैं? हॉस्पिटल में इसका इलाज नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह से, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन हॉस्पिटल में रखने का सबसे बड़ा मकसद है आइसोलेशन या क्वारंटीन, कि उस आदमी को आइसोलेशन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है वायरल निमोनिया। निमोनिया अगर किसी को हो जाता है तो फिर उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो हॉस्पिटल में रखने के दो ही पर्पज़ हैं, एक तो आइसोलेशन है जिसको क्वारंटीन भी कहते हैं, दूसरा ये है कि ऑब्जर्व करना कि अगर उसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका टेस्ट सैंपल लेकर के उसको कंफर्म करना कि क्या इसको बीमारी है या नहीं है, अगर है तो भी उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है जिसमें खाली फ्लूइड लेने हैं, सूप्स लेने होते हैं और प्रॉपर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो लेना है। तो मतलब बेसिकली ये फैले नहीं, हमारी अगर हम लोग ध्यान नहीं दें तो उसकी वजह से ये फैले नहीं, इसलिए हॉस्पिटल्स में रखा जाता है। और अगर कोई पेशेंट आता है JNMC ऐसा कोरोना वायरस का पेशेंट, तो कितना प्रिपेयर्ड है ये मेडिकल कॉलेज ऐसे पेशेंट्स के लिए? देखिए, JNMC में एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया हम लोगों ने ऐसे केसेस के लिए, वहाँ पर हम उनको रख सकते हैं। दूसरी यह है कि JNMC में हमने रिसेंटली कोरोना वायरस को टेस्ट करने की लेबोरेटरी फैसिलिटी डेवलप कर ली है और हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से उसका ऑथराइजेशन भी मिल चुका है, ठीक है। और हमें ये ऑथराइजेशन भी मिल गया है कि अलीगढ़ के आसपास जैसे आगरा है, मथुरा है और दूसरे जो शहर हैं, वहाँ से अगर कोई सस्पेक्टेड केस का सैंपल आता है तो वो भी हम उसको यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है उसको हम काउंटर कन्फर्मेशन के लिए NBI में भेजते हैं, नेशनल स्टूडेंट वायरोलॉजी। तो मतलब JNMC ने प्रिपरेशन कर ली है, ट्रीटमेंट के लिए रेडी है पेशेंट्स के। तो आखिरी में डॉक्टर साहब, आप लोगों को इन जनरल क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस दूंगा कि लोग पैनिक ना हो, घबराए नहीं, सिर्फ एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का कोई मरीज है जिसको कि ये प्रोबेबिलिटी है कि कहीं से एक्सपोजर हो गया है, तो वो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें और वो अननेसेसरी अपना मूवमेंट मासेस में ना करें और अस्पताल में आकर के बताएं, वहाँ पे लोग उसको देखेंगे, अगर ज़रूरी होगा तो उनको टेस्ट भी किया जाएगा या उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा ताकि अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है तो वो दूसरे लोगों को ना फैलाने का और उनका उचित ट्रीटमेंट हो सकता है।
तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे कि एहतियात जो है वो ही पहला कदम है, प्रिकॉशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर, और सफाई रखें, सावधानी बरतें, और सबसे बड़ी बात ये है कि मिथ्स पर, र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करें, क्योंकि उसी से पैनिक क्रिएट होता है। जो पैनिक इसी से होता है, अफवाहों से। जी जी, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, ठीक है? अगर किसी को वाकई में कोई सिम्टम है तो वो अपने आप को दूसरे लोगों से मिलने से थोड़ा सा एहतियात रखें, और अपने हाथ की सफाई रखें, और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मास्क हो, आप अपने मुंह के ऊपर जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आता है N95 की ज़रूरत नहीं, जो 3-ply सर्जिकल मास्क आता है वो भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने रुमाल को डबल करके उसको भी कर सकते हैं। सैनिटाइज़र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई भी आफ्टर शेव होता है उससे आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, या स्प्रिट लेके कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मास्क को होल्ड करके अपने घरों में रख लिया जाए और जहाँ उसकी असली ज़रूरत है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमें डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उसको यूज़ करें। और सैनिटाइज़र भी नहीं मिल रहा है तो उसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। सबसे अहम बात यही है कि हम लोग हाथ बार बार धोएं और उसका ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, तो इससे हम लोग कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत हद तक रोक सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाइए, अगर जरूरी होगा तो टेस्ट किया जाएगा जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव फॉर पब्लिक अवेयरनेस। थैंक यू।